सेनाएं अलग अलग नामों से जो काम कर रही हैं, लेकिन सबके साथ समस्या झंडा सिंह। मैं राजेंद्र सिंह राजा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तान शिवसेना। आज हम लोगों ने यहाँ पंजाब स्तर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, जिसका विशेष प्रयोजन था कि हिंदुस्तान शिवसेना का राजनीतिक दल राष्ट्रीय हिंदुस्तान शक्ति दल चुनाव आयोग से पंजीकृत हो गया है, जिसकी आज हमने यहाँ पर घोषणा की है। और आने वाले लोकसभा, विधानसभा, MC वे सभी चुनावों में राष्ट्रीय हिंदुस्तान शक्ति दल अपनी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगा। दूसरा, हमने राष्ट्रीय हिंदुस्तान शक्ति दल पंजाब प्रदेश अध्यक्ष के लिए कपूरथला से हिंदुस्तान शिवसेना के प्रदेश महासचिव रहे अजय शर्मा जी को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। बाकी की जो हमारी टीम है हिंदुस्तान शिवसेना की, जिसमें कपिल भारद्वाज जी यूथ विंग से चेयरमैन, प्रिंस कोंडल जी पंजाब से चेयरमैन और सुरजीत सिंह बिल्ला जी पंजाब के प्रभारी, वो यथावत स्थिति में अपने काम करेंगे। बाकी जो नए पदों की घोषणा है वो नई कार्यकारिणी के लोग आपसी सहमति से बहुत जल्दी हम लोग घोषित करेंगे। इलेक्शन लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, पूरे ऑल इंडिया अपनी पार्टी उम्मीदवार उतार रहे हैं जो देखिए, अभी हिंदुस्तान शिवसेना लगभग 7 राज्यों में काम कर रही है। 7 में से 5 राज्य ऐसे हैं जहां हम लोग मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, तो उन 5 राज्यों में वहां के राज्य कार्यकारिणी से डिस्कशन करने के बाद में हम लोग ये तय करेंगे कि कहां कहां किन किन लोकसभा सीटों पर हमारे उम्मीदवार उतरे। पंजाब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो पंजाब एजेंडा उनका पार्टी का? देखिए, अभी हमारी पार्टी का आज गठन हुआ है, तो आने वाले समय में 1-2 महीनों में जो हमारी नई कार्यकारिणी बनेगी वो तय करेगी कि पंजाब में किन किन समस्याओं से पंजाब की जनता जूझ रही है, जो अब तक अकाली भाजपा और कांग्रेस या बाकी के लोगों से ऊब चुकी है, उन तमाम मुद्दों को हम लोग फोकस करेंगे। फिर हमारी एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग में नेशनल बॉडी के साथ हम लोग डिसाइड करेंगे कि पंजाब में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, राजस्थान में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन 1 या 2 हमारे ऐसे मुद्दे होंगे जो राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जिनको हम लोग चुनाव मैदान में होंगे। सबसे पहले जिन 5 स्टेटों में हम चुनाव लड़ेंगे, पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में हमारा संगठन काम कर रहा है, लेकिन वहां हम लोग थोड़ा सा अभी इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इन पहले बारी जो 5 स्टेट हैं वहां हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सर, पार्टियां इस टाइम इतना मतलब ये बढ़ रही है, एरिया का अकाली वाले खेड़ा ने पार्टी अपनी बनाई है, तो अज तुम अपना दल जो भी है तो मानता मिल पी है जी, किस तरह देख रहे जी पार्टियां का, किस तरह का रूहा मतलब दल इन्ने बन रहे हैं, देखिए दल आप 100 क्या 500 बना लीजिए, लेकिन जब आप वोटर का काम करेंगे, वोटर क्या चाहता है उसकी भावनाएं आप समझेंगे, वोटर के लिए जिएंगे मरेंगे, उसके दुख दर्द में शामिल होंगे, तब आप जरूर कुछ ना कुछ कर पाएंगे। जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली में किसी को नहीं पता था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, 2 बार मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन जो उनका काम था, जो उनके वादे थे, वो जनता को इतने भाई के उन्होंने उनको 1 बार नहीं 2 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी दी। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे क्या हम लोगों ने काम करने हैं जो जनता के हित में हो, उसके बाद ये फैसला तो जनता को करना है कि कौन सा दल उनके लिए है। अब से पहले भी बहुत सारे दल बन चुके हैं पंजाब में काम कर रहे हैं, लेकिन हमेशा ऐसा देखा गया कि अकाली भाजपा या कांग्रेस, दो ही दलों ने सत्ता हासिल की है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर फिर आम आदमी पार्टी के विधायक भी चुनकर आए और विपक्ष के नेता भी उनके रहे। तो इस तरह से मैं इस पे नहीं जाता कि भाई दल बहुत सारे होंगे तो उसमें कोई हमें फर्क पड़ने वाला है, हमारा अपना काम है, अपनी नीतियां हैं, अपने उद्देश्य हैं, अपने सिद्धांत हैं। अगर वो जनता को पसंद आएंगे और हम जनता के बीच अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए तो मुझे विश्वास है राष्ट्रीय हिंदुस्तान शक्ति दल पंजाब में जीत का परचम जरूर लहराएगा। जैसे ना सर गठबंधन भी जीतता जाऊंगा, जैसे दल ना जिस तरह इलेक्शन आ रहे, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, अगर गठबंधन की बात करें तो गठबंधन की राजनीति से हम दूर नहीं है, लेकिन ऐसे दलों से हम गठबंधन चाहेंगे जो हमारी विचारधारा को समझे और हम उनकी विचारधारा को समझे। अलग अलग विचारधाराएं होंगी तो फिर किसी भी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं होगा। बाकी हमारे दल के दरवाजे खुले हैं, सभी का स्वागत है, लेकिन अंतिम निर्णय पंजाब की स्टेट बॉडी लेगी। मैं अजय शर्मा, वैसे तो महासचिव सी, लेकिन हुण पार्टी ने मैनूं सम्मान दिता है कि मैनू पंजाब का प्रधान लाया है, तो मैं सब तो पहले इन्हों का धन्यवाद करता सारियां दा। और मैं थोड़े थ्रू, मीडिया के थ्रू, सारे के थ्रू मैं एक मैसेज देना चाहना पूरे पंजाब नू कि साड़ी पार्टी जिहड़ी है
धर्म और जातिवाद तो उपर उठ के असी काम करांगे। साडा हिंदुस्तान शिवसेना दे विच असी अगर तुसी साडियां खबरां या साडी मीडिया रिलीज तुसी देखोगे या साडे पेजेस तुसी देखोगे तो किते भी तुहानू ये नहीं लगेगा कि असी किसी जाति के खिलाफ असी काम किया होवे या असी किसी स्पैशली किसी जाति नूं असी टारगेट किया होवे। नहीं, साडा पहला दा यही काम सीगा कि पंजाब दे विच हिंदू सिख की राजनीति जिहड़ी है वह बिल्कुल नहीं की जाएगी। असी अपने एजेंडे अपने मुख उद्देश्य नूं उगर लैके असी अगे वधांगे और जिहड़ा साडा राजनीतिक दल जिहड़ा बनिया है राष्ट्रीय हिंदुस्तान शक्ति दल उहदे लई इन्हां ने मैनूं राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अध्यक्ष लाया पंजाब दा। साडे कोल पंजाब दे वक्रे मुद्दे ने, हर स्टेट के अपने अपने मुद्दे होंदे ने। साडे जिहड़े मुद्दे ने बड़े सिंपल ने, जिहदा पंजाब दे विच ड्रग्स का मुद्दा आ उहनूं असी लै के नाल तुरांगे। यूथ ऑलरेडी साडे नाल, यूथ दे चेयरमैन साडे नाल ने कपिल जी, असी सारे जने इस मुद्दे नूं लैके बड़े गंभीर ने ते असी बहुत परमात्मा दी अगर थोड़े सारे वीरां दी कृपा रही ते असी हर घर दे विच जाके इस पार्टी दी अलख जगावांगे और अपनी पार्टी दीआं नीतियां घर घर पहुंचाउण दे लई असी जी तोड़ मेहनत करांगे। मैं एक मैसेज होर देना चाहुंदा कि जिवें कि मैं यूथ नूं रिप्रजेंट करदा पंजाब दे विच, ते मैं सारे वीरां नूं ये दसना चाहुंदा कि जिवें कि पिछली सरकारां भावें अकाली भाजपा दी होवे भावें कांग्रेस दी होवे, इन्हां ने जातिवाद दे नां ते काफ़ी वोटां वटोरियां ने। मेरे ख्याल में एक गल किसी तो छुपी नहीं और मैं नाम लैन के भी कोई गुरेज नहीं इन्हों पार्टियां का, शरेआम इन्ह ने जातिवाद के नाते वोटा मंगिया भी ने ते जीतिया भी ने। लेकिन मैं सारे दसना चाहना कि यूथ जी पंजाब की वो जातिवाद या नशिया वाल बिल्कुल नहीं जाने वाली, नशे का लालच दे के तुम वोट बिल्कुल नहीं लै सकते और जातिवाद के नाते वोटा मंगने का तो कोई काबी नहीं है। मैं जदों एज अ स्टेट जनरल सैकटरी जो मैं पंजाब विचरता स तो कई जिले के जाके सानू जो असं देखते सके यूथ इस चीज़ तो बड़ी अक्की पई है, वो जिदा एक सहारा लभ रहे ने कि उन्होंने कोई एक स्टेज मिले, उन्होंने एक स्टेज दिसी सी आम आदमी पार्टी, मैंने कोई नाम लेने उस भी कोई ग्रेज नहीं है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी शरेआम एक खालिस्तान या एक चंद लोगों की कठपुतली बन के पंजाब दे विच रह गई और वो आप ही जिहड़ा उन्हां दा झाड़ू सीगा खेरू खेरू हो गया, तिले उन्हां दे हजे तक मेरे ख्याल नाल संभव नहीं, वो हजे तक भी खिलर नूं फिरदे आ। तो मैं सारे लोगों जिहड़े भी मैनूं देख रहे ने, मैं बड़े क्लीयर मैसेज देना चाहुंदा मेरी पूरी टीम वल्लों कि इस राष्ट्रीय हिंदुस्तान शक्ति दल तुहाडे लई बाहां खोल के खड़ा है और तुहाडा दिलों स्वागत करदा है। यूथ वड्डा बजुर्ग हर तरह की जात हर तरह की कास्ट, सानू जातिवाद नहीं चाहिए, असीं बिल्कुल नहीं चाहुंदे, सानू अच्छा प्रशासन।